टोटल वाक किती आहे तिथं? टायगर किती? सहा टायगर आहे, सहा अडल्ट टायगर आहे. त्यामध्ये सफारी झोन मध्ये तीन टायगरची मुवमेंट जास्त असते. दोन मेल टायगर आहे आणि एक फिमेल टायगर आहे. इंडिया T3 म्हणून टायगर आहे, फिमेल टायगर आहे. लोकल नाव कॅटरीना आहे. एक अगोदर एक कॅटरीना होती ना इथे, एक पहिले का टायगरचं नाव दिलं होतं ना कॅटरीना, तेच आहे का? पीछे हमें भी एक पीकॉक दिखा है. पीकॉक ने अपने जो फिदर से पंख फैलाए पूरी तरह से पीछे देख के चलते. वाह क्या खूबसूरत दिख रहा है. और पीछे और पीछे. वाह बहुत ही मस्त. टाइगर जो डिक्लेयर केलेला आहे. सागवान आहे, टिकूड जास्ती आहे, त्यामुळे उन्हाळ्यात पूर्ण ड्राय फॉरेस्ट. नाही तू नाही बोटं तू दिसत आहे ना, बोटं दिसत आहे पायाचे. हे टायगर ते नाही, ते नाही हे जे आमचे जे गाडीच्या ह्याच्यावर नाही ना ये मधी ठप्पा दिसत आहे ना. हा तो नाही दिसत आहे ना. बोर टाइगर रिजर्व में ये जंगल सफारी हम सुबह के टाइम पे कर रहे हैं. तो सुबह सुबह हमको यहाँ पर एक सांबर दिखाई दिया है. सांबर एंटेलोप फैमिली का एक मेंबर होता है. सुबह के टाइम जंगल सफारी इसलिए कर रहे हैं कि विदर्भ रीजन में दोपहर के टाइम पे काफ़ी सारी हीट रहेंगी. दो टेम्परेचर 44 तक भी पहुँच सकता है, इसलिए हम सुबह के टाइम पर देख रहे हैं ताकि वाइल्ड लाइफ सुबह के टाइम पर पानी पीने के लिए बाहर आए. देखते सकते हमको अभी वाइल्ड लाइफ का दर्शन यहाँ पर हो चुका है. ये सांबर है, इसकी आंखें काफ़ी कमज़ोर होती है, इसको ज़्यादा दूर तक तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो एक तरफ ही देखता रहता है. कोशिश कर सुबह के साइड टाइम है. यहाँ पर सनराइज़ भी हो चुका है लेक साइड पर. बोर डैम में, बोर सेंचुरी में एक बोर डैम नाम बोर डैम भी है. तो आप देख सकते हैं बोर डैम का वाटर लेवल कितना है. अभी एक छोटा सा टाइगर रिजर्व है. देखते हैं यहाँ पर टाइगर दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि टाइगर के पाँव के निशान तो यहाँ पर हमें दिखाई दिए है. जंगल काफ़ी पूरा खुला खुला हो चुका है पतझड़ के मौसम की वजह से. ये है बोर डैम का नज़ारा. अभी अभी हमें फ्रेश यहाँ पर टाइगर के पगमार्क दिखाई दिए. ऐसे होते हैं टाइगर्स के फिंगरप्रिंट्स, और हर टाइगर के अलग होते हैं. ये भी बात यहाँ पर जानने को मिली.
तो डार्क ब्लॅक आणि ती